हैदर क्या बहुत जल्द जेल की हवा खाने वाले हैं? क्या सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी और कथित पति सचिन मीणा से दूर होने वाली है? क्या सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी का वक्त आ गया है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर के खिलाफ एफआईआर करने की मांग पहुंच गई है अदालत की चौखट तक, और सीमा हैदर पर एफआईआर दर्ज करने की ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे उसके पति गुलाम हैदर ने की है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर और सचिन की मुश्किलें बढ़ाते हुए अपने वकील को यूपी के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट भेजकर अपील दाखिल कराई है। गुलाम हैदर के वकील ने सूरजपुर कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गुलाम हैदर के वकील ने अर्जी 28 मार्च को दाखिल की है, जिसमें सचिन के पिता नेत्रपाल को भी आरोपी बताया है। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील की ओर से सूरजपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई की और जेवर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। आरोप है कि सीमा, सचिन और नेत्रपाल ने गलत दस्तावेजों के जरिए जमानत ली थी। सूरजपुर कोर्ट ने जेवर थाना पुलिस को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। गुलाम हैदर ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी अर्जी में सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता के खिलाफ 20 से ज्यादा धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी भी मांगी है। गुलाम की ओर से ये अर्जी उनके वकील मोमिन ने लगाई है, जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। बड़ी बात ये भी है कि सीमा हैदर के सचिन से शादी के दावे को गुलाम हैदर की ओर से छलावा बताया गया है। इससे पहले गुलाम हैदर के वकील ने सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा था। इतना ही नहीं, सीमा सचिन के कानूनी मामलों को देखने वाले वकील एपी सिंह को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। एपी सिंह को सीमा अपना भाई बताती है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति की ओर से वकील मोमिन मलिक ने तीनों को करोड़ों के नोटिस भेजकर 1 महीने के अंदर माफी मांगने को कहा। जुर्माना जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही गई। और अब गुलाम हैदर ने सीमा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गुलाम ने अपने वकील मोमिन मलिक से सीमा, सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ अर्जी कोर्ट में दाखिल कराई है, जिस पर सूरजपुर कोर्ट ने जेवर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगर इस मामले में पुलिस के जवाब के बाद कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो जाहिर है कि सीमा हैदर के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो जेल भी जा सकती है और वापस अपने मुल्क पाकिस्तान भी। याद दिला दें कि पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने आई थी। इसके बाद वो वापस नहीं गई और सचिन मीणा से कथित तौर पर शादी भी कर ली। तब से सीमा सचिन के परिवार के साथ उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर में रह रही है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि पुलिस ने जब सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था और जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे, सभी में सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब कोर्ट से जमानत करवाई गई थी तो उसमें भी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर लिखा हुआ है। तो फिर एपी सिंह सीमा हैदर को सचिन की पत्नी किस आधार पर बोल रहे हैं?